हमारी और बाड़ी में कुछ कब्जे करते हैं। इसलिए कि वो एलिमेंट कंपनी था, एलिमेंट वहां पर था। आप पाकिस्तान में देखें क्या आलम है कि जुलूसों में, मस्जिदों में, इमामबाड़ाओं में, मस्जिदों में, खास तौर से पाकिस्तान में तो ये आलम हो गया है कि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है और मालूम हो जाता है कि ये अहले बैत पे जाने वाला है तो किसी ना किसी तरीके से उसको शहीद कर देगा। सामने वाली बात है बिल्कुल। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि हमारे जाने वालों को, हमारा जो भी मोहब्बत करने वाला है उसको इम्तिहान देना होगा। तो ये अहले बैत है, बाहर के जाने वाले इम्तिहान देते हैं, ना किसी के बम फाड़ने से डरते हैं, ना किसी की तोप चलाने से डरते हैं। आज दुनिया इस्लाम में देखें, ईरान को देखें कि सारी दुनिया ईरान के मुखालिफ है, हिजबुल्लाह के मुखालिफ है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान किसी से डरने वाले नहीं है क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जो भी मोहब्बत अहले बैत में अगर होगा वो किसी से खौफ ज्यादा नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। और जैसे कि अगर आप तारीख में देखें तो खुद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम उसके बाद में नहजुल बलागा में जो जुमले फरमाते हैं वो कहते हैं लो ज़रबत बिसैफ, अगर मैं एक मोमिन की नाक पे तलवार मार दूं, कि जो यानी नाक का मतलब ये नहीं है कि नाक ही पे मारनी है, यानी ये जुमले हैं कि अगर मैं मोमिन की तलवार मारूं या कोई अजियत पहुंचाऊं किसी तरीके से और उससे ये कहूं कि तुम मुझसे मोहब्बत ना करो तो जो मेरा मुहिब होगा वो मैं उसको कितनी भी अजियत पहुंचा दूं, कुछ भी कर लूं, वो हमारी मोहब्बत नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या फरमाते हैं कि अगर कोई हमारा मुहिब नहीं है, हम उससे ये कह दें, क्या कह दें कि दुनिया की सारी सल्तनत, दुनिया की सारी दौलत ले लो और तुम हमसे मोहब्बत करने लगो, तो ये नामुमकिन है कि हमारा जो दुश्मन है सारी दौलत लेने के बाद भी हमसे मोहब्बत नहीं करता। तो जो अहले बैत का चाहने वाला है, जो मुहिब अहले बैत है, उसके अमाल कैसे होने चाहिए? उसके अमाल ऐसे होने चाहिए कि जिसके लिए आइमा अहले बैत खुश हो। उसके साथ साथ हर दूसरा दूसरी कौम